भाजपा नेता सौरभ वाजपेयी ने किया जनसंपर्क। आपको बता दें कि आज किसान मंत्री अवध क्षेत्र मोर्चा सौरभ वाजपेयी और फराजा ने बेटा मोहल्ला, मंगल बाजार, सराय पीर मियां, सराय फजल अजीम व मोहन तालाब आदि मोहल्लों में जाकर के राष्ट्रीय जनसंपर्क प्रमाण पत्र के साथ मास्क एवं सैनिटाइजर लोगों को वितरित किया और घर घर जाकर लोगों को जनसंपर्क करके वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के बारे में अवगत भी कराया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशों का पालन करने की अपील भी की तथा लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत बड़े कार्य किए गए हैं तथा सरकार अपने वादे के अनुसार विकास कार्य को लेकर खरी उतरी है। ग्रामीणों ने कहा है कि भाजपा सरकार के द्वारा विद्युत तथा रोड की व्यवस्था भाजपा नेताओं के प्रयास से साकार हो पाई है, जिसके लिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। आज जनसंपर्क अभियान के अवसर पर उनके साथ रुस्तम उद्दीन उर्फ पप्पू, छेदी लाल लोधी, देवकी नंदन लोधी, बिहार लाल लोधी आदि लोग मौजूद रहे। उन्नाव से हमारे संवाददाता राम शंकर राजपूत की रिपोर्ट। सर, आपका नाम क्या? सौरभ वाजपेयी जी। आप क्षेत्रीय मंत्री किसान मोर्चा अवध क्षेत्र। अच्छा, जो आप घर घर जाके ये समाज कल्याण के वो हर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसका के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अभियान चलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक वर्ष का कार्यकाल अपना पूर्ण कर लिया है केंद्र सरकार बनने के बाद। इसके तहत ये परिवार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कोरोना वैश्विक महामारी से, और इसमें मास्क, सैनिटाइजर, साबुन आदि अन्य सामग्रियों का वितरण के साथ साथ माननीय मोदी जी का पत्र भी जनसंपर्क अभियान में सबको दिया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे आम जन नागरिक के लिए जन संदेश दिया है, हम लोग उसको भी साथ साथ उपलब्ध करा रहे हैं। ये जिस मोहल्ले में आप बांट रहे हैं, तो ये मोहल्ले कौन से? सराय फजल अजीम में 2 बूथों पर आज का कार्यक्रम किया गया है जी। ठीक है, धन्यवाद।